ओबीसी समाज को समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन नेताओं से जरूर गुप्त रूप से बातें करें। हमारे समाज जो भारतीय समाज है बहुत सारे ग्रुपों में बटा हुआ है कि भविष्य के कितने भी आप सपने दिखा दो, हमारे समाज में ज्यादा 70-80% जो लोग हैं गरीब हैं। आप सभी जानते हो इस वर्तमान सरकार ने 5 किलो अनाज देकर सारे हमारे समाज को अपनी तरफ बस में कर रखा है। वर्तमान समय में हमारी इस व्यवस्था के अंदर ओबीसी समाज को समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो बहुत है। ये हमारा लॉन्ग टर्म है और हमारा यही उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए हमें शॉर्ट टर्म जो उद्देश्य है, एम है, गोल है, वो अडॉप्ट करने चाहिए। उन उद्देश्यों के संबंध में 2-3-4 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात है कि हमें हमारे जितने भी ओबीसी समाज के संगठन हैं उनको लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमारे समाज के हितों के साथ रहना चाहती हैं, उनके साथ जरूर बातचीत की जाए। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल लीडर जो हम चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर है, हमें यहाँ किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारी पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो हमारे समाज को सहयोग करना चाहते हैं। उन नेताओं से जरूर गुप्त रूप से बातें करें, गुप्त रूप से मंत्रणा करें और गिव एंड टेक पॉलिसी अडॉप्ट करके उनके साथ हमें करें। हम उन्हें देंगे, वो हमें दें। तीसरी बात है जो हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर है वो ये है कि सोशल ग्रुप हैं हमारे समाज जो भारतीय समाज है, बहुत सारे ग्रुपों में बटा हुआ है। जो सोशल ग्रुप हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करना चाहते हैं, उन सोशल ग्रुपों को हम अपने साथ जोड़ें और इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत बढ़ानी पड़ती है सभी संगठनों के लिए। तो ये अब सवाल पैदा होता है, पिछले अभी हमारे एक वक्ता जी कह के गए थे कि यहाँ 60-50 साल की उम्र से ज़्यादा बैठे हुए हैं जो नौजवान हैं, जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको यहाँ नहीं आए, उनको जागृत करना ये समय की जरूरत है। उनको जागृत करने के लिए मैं तो सभी संगठनों से ये बात कहूंगा कि भविष्य के कितने भी आप सपने दिखा दो, उनमें उन लोगों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर हमारा भविष्य के सपनों का असर नहीं होगा। अगर आज हम उनको कंक्रीट सहायता करते हैं, हमारे समाज में ज्यादा 70-80% जो लोग हैं गरीब हैं, उन गरीब लोगों को आज फौरी सहायता की जरूरत है। अगर वो सहायता अगर मिल जाती है तो वो बच्चा जो आज भटका हुआ है, कहीं के कहीं फिर रहा है, वो हमारे साथ जरूर लगेगा। आप सभी जानते हो इस वर्तमान सरकार ने 5 किलो अनाज देकर सारे हमारे समाज को अपनी तरफ बस में कर रखा है। क्या हम अपने समाज को कुछ डेडिकेटेड
कार्यकर्ता पैदा करके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्हें जो मौजूदा उनकी परिस्थिति है उनका आकलन करके उनको फौरी सहायता दी जाए, तो वो जो बच्चा जिसको आज हमने सहायता दी है वो बच्चा हमारे साथ जरूर लगेगा।